क्या हो गया, घर में नहीं रहती हो एक ही घर में? नहीं, घर में तो रहते हैं। मैं किस लिए लेना, मैंने तो बड़ा फेशियल करवाया। So different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तीन डब्बे मैंने कल आपको दिखाए थे वॉश करते टाइम, और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि इनका मैं क्या करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल हमारा लंच हो चुका है। लंच में आज मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो अभी थोड़ा शाम हो चुका है, मतलब 3:30 बज रहे होंगे, और मैं ग्रॉसरी के सारे सामान इन डब्बों में सेट करूँगी। ये डब्बे मैंने आटा और चावल के लिए ही मंगाए थे, बट आटा तो नहीं आएगा, हाँ चावल आ जाएगा। चावल हम दो तरीके का लेते हैं, एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला लेते हैं और एक जो राशन में मिलता है वो भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशन में भी अच्छे चावल मिल जाते हैं। और ये राशन वाला चावल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे मैंने बड़े वाले डब्बे में यानी कि 12 लीटर वाले डब्बे में ऐड कर दिया है। एक्चुअली ये लीटर की कैपेसिटी के हिसाब से आए थे, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। और ये है हमारे पुराने डब्बे जो पहले यूज़ होते थे, ये बहुत पुराने हैं बहुत ज़्यादा, और आना वापस ये जैसे ही गिरा ये डब्बा ना, तो आना डर गया और जल्दी से अपने पापा की गोद में बैठ गया गोदी गोदी करके। इसे शैतानियां तो करनी होती है, बट जैसे ही थोड़ा सा भी आवाज़ होता है इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और जो भी सामने होता है उसके सामने जाके गोदी गोदी चिल्लाने लगता है। तो आप देख सकते हैं सामने वाले ड्रॉर की क्या हालत है। इसमें से मुझे सारा सामान निकालना है और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको सेट करना है इन डब्बों में। तो ये देखो, जो भी एक्स्ट्रा राशन का सामान है उसको मैंने इसमें सेट कर दिया है, और काफ़ी ज़्यादा सामान आ गया। ये 12 लीटर वाला है, तो इसमें बहुत सारे 1-1 किलो वाले पैकेट्स आ गए हैं, और इस तरह के डब्बों में बहुत सेफ़ भी रहता है। ये एक स्टील वाला, ये हमारा पुराना है, तो इसमें जो खुले पैकेट्स हैं वो रखे हैं मैंने, क्योंकि अभी मैंने और भी डब्बे मंगाए हैं छोटे 1-1 किलो वाले, वो नहीं आए हैं। तो ये सारी दालें मैं उसी में सेट करूंगी जो यहाँ पे लिफाफों में बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि पुराने वाले डब्बों में अब सेट करने लायक है नहीं, उनके जो ऊपर के कैप है वो लूज़ हो गए थे बिल्कुल। और यहाँ पे ये शाम की प्रिपरेशन चल रही है, मैं चाट मसाला बना रही थी क्योंकि आज शाम को हम पापड़ी चाट बनाने वाले हैं। तो ये मैंने सूखा धनिया भुना है, ये भुन चुका है अच्छे से, तो मैं इसे थाली में खाली कर दे रही हूँ। और अब मैं जीरा भुन रही हूँ, और जीरा भी भुन चुका है, मैंने इसे 2-2 मिनट भूना है। और मैं अलग अलग इसलिए भुन रही हूँ क्योंकि अलग अलग भुनने से जो टेस्ट आता है ना, वो एक साथ भुनने पर नहीं आता है, क्योंकि जीरा थोड़ा कम भुनता है और धनिया थोड़ा ज़्यादा, और मिर्च और तेज़पत्ता तो बिल्कुल ही कम भुनता है। तो इस वजह से मैं अलग अलग ही भुनती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इनमें इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा देर बाहर बैठेंगे। ये मसाले ठंडे हो गए, अब मैं इन्हें पीस लूँगी। और ये देखिए अनव की खुरापाती, इसने सारे तेज़पत्ता को निकाल कर फ्लोर पे फेंक दिया है, और अब वापस पैकेट में डालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सारा सामान रेडी है, ये पापड़ी, ये बूंदी, भुजिया, सेव, दही, चटनी, नमक, ब्लैक सॉल्ट और मिर्च, थोड़े से प्याज, खीरा, आलू उबले हुए हैं और कटे हुए हैं, थोड़े से नींबू और चाट मसाला जो मैंने बनाया था वो ग्राइंड करके रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पापड़ी को सजा दूंगी, और उसके ऊपर मैं आलू के पीसेस रख दूंगी। ये उबले हुए आलू है और इन्हें मैंने पहले ही बॉईल करके और इसे क्यूब्स में कट कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा इन पे चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके इसमें खीरा और प्याज डाल रही हूँ मैं। खीरा और प्याज डालने के बाद मैं इसे दही से थोड़ा थोड़ा कोट करूँगी। अभी मैं पूरा दही नहीं ऐड करूँगी, बाद में ऐड करूँगी। उसके ऊपर से मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत बार शेयर की है। उसके ऊपर से मैं वाइट सॉल्ट, जो प्लेन सॉल्ट होता है वो, और ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। फिर मैं चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ कर ऐड कर दूँगी। अगर खट्टा पसंद है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर देना चाहिए। और उसके बाद मैं दही का लास्ट कोटिंग वापस से, क्योंकि दही इसमें नहीं होती है ना तो मज़ा नहीं आता, दही थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, और इमली की चटनी भी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करते हैं, तभी मज़ा आता है इसे खाने का। उसके बाद मैं सेव भुजिया और थोड़े से बूंदी जो हम रायते में डालते हैं वो ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए चाट पापड़ी बिल्कुल तैयार है, और देख कर मुँह में कितने लोगों के पानी आ रहा होगा, है ना। मेरे भी आता है जब मैं किसी की रेसिपी देखती हूँ तो बहुत मन करता है बनाने का, मैं तो बना ही लेती हूँ 1-2 दिन के अंदर ही। तो इनको टेस्ट करवा रही हूँ मैं, बताना रिव्यू देना।
कैसा बना है? अच्छा खा लो, आराम से खा लो पहले। नमक वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है। खा लो, आराम से खा लो। हाँ अब बताओ कैसा बना है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। और यहाँ पे मैं आनव की बना रही हूँ चोटी, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं बैक साइड वाले, तो उसे मैं इकट्ठा करके और छोटी बना देती हूँ। और सामने सामने की तो छोटे हैं, तो उन्हें मैं सामने ही रहने देती हूँ, तो बहुत अच्छे से बनवा लेता है वो, बिल्कुल भी तंग नहीं करता है चोटियाँ बनाते वक्त। और उसे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, खुद ही आ जाता है कंघी लेकर के और रबड़ लेके। ये देखो खुद ही अपने बाल बना रहा है कंघी लेकर। बज रहे हैं शाम के 7 और नाश्ता हमारा हो चुका है, तो अभी मैं बैठी हूँ अपने रूम में। और ये देखो ये मेरा, वो भी राइट हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है, दर्द तो नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि हाथ कट गया तो बहुत दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, बट कुछ भी काम करने जाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और वो भी राइट हैंड का अंगूठा कट गया है, तो समझ ही सकते हो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। या तो खाना खाना हो, या बर्तन धोना हो, या कोई भी काम करना हो। बैंडेड मैंने लगा दिया है अभी, तो शायद ठीक हो जाए जल्दी, ज्यादा नहीं कटा है, पर हाँ ब्लड बहुत आ रहा था। तो अभी तो जो नाश्ता हो गया इतना हैवी हो गया है कि अभी खाना वगैरह बनाने का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ना मैं खाऊंगी कुछ ना ये खाएंगे। पहले तो ये बोल रहे थे कि मैं भी डिनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये खुद ही मना कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओवर हो गया, क्योंकि ये चीजें बनती है तो इंसान एक्स्ट्रा ही खाता है। दुकानों में तो एक्स्ट्रा नहीं खाते, एक प्लेट ले लिया खा लिया बस हो गया, बट घर पे जब बनती है तो हम थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं, हम क्या कोई भी, तो इसीलिए अब डिनर का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। देखती हूँ अगर भूख लगेगी तो कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं। तो भाई घर का बना हुआ हेल्दी एंड टेस्टी सा इवनिंग स्नैक तो हमने खा लिया, और अब चलिए अनब की शाम की मस्ती। अभी बज रहे होंगे कोई 8 या 8:30 बज रहे होंगे, ये बाहर से घूम कर आ चुका है, अपने पापा के साथ गया था, और यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहा है और बार बार बोल रहा है लाइट बंद करने के लिए, क्योंकि अब इसे सोना है। वैसे इतनी जल्दी सोता होता है नहीं, 11 बजे के पहले तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसके सोने का। तो बस यहाँ पे ये मस्तियाँ कर रहा है, और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, इससे ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं या फिर बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए वीडियो अब से मैं छोटा ही बनाऊंगी। और हाँ, सामने से हस्बैंड इशारा कर रहे हैं कि मम्मी लोगों से इसकी बात करा दो। एक्चुअली इसकी नानी ने जब फोन किया था तो ये यहाँ पे नहीं था, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, तो अब मम्मी लोगों को थोड़ा सा फोन करके इसे बात करवा दूंगी। और वैसे भी 1.5 साल से वो इसे फोन पे ही देख रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।